दोस्तों आज काफी ठंड है हमारे गांव में। हाथ जो है वो पूरी तरह से कोल्ड हो रखा है, लेकिन मजा तो आ रहा है मेरे भाई ठंड का। तो भैया फाइनली डंकी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ चुका है, इंडिया वाला। तो भाई इस फिल्म ने इंडिया से कितने का कलेक्शन किया है कल, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि कल रेड चिली के द्वारा इस बात की जानकारी हम लोगों को दी गई थी कि भैया इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है, यानी कि भैया 350 करोड़ के आंकड़े के करीब यह फिल्म पहुंच रही है वर्ल्ड वाइड। तो भाई 350 करोड़ का आंकड़ा तो इस फिल्म ने छू लिया है वर्ल्ड वाइड, तो क्या इस फिल्म ने इंडिया में 200 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, क्या इसके करीब ये फिल्म पहुंच रही है? तो भैया यही जानकारी मैं आपके सामने अब रखूंगा, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने डंकी के कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को रखूं, कि भैया उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया डंकी को इंडिया के 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से कल कितने का कलेक्शन मिला। तो दोस्तों डंकी को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि इस फिल्म के पीवीआर के माध्यम से जो कल टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 75,394, जिसकी मदद से इस फिल्म को 2,90,00,000 रुपीस का बिजनेस मिला था। उसके बाद भैया आइनोक्स से इस फिल्म के जो कल टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 55,779, जिसकी मदद से इस फिल्म को 1,89,00,000 रुपीस का बिजनेस मिला था। उसके बाद भी इस फिल्म के सिनेपॉलिस के माध्यम से जो कल टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 31,786, जिसकी मदद से इस फिल्म को 1,21,00,000 रुपीस का बिजनेस मिला। यानी कि इंडिया के इन 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से कल डंकी को जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 6 करोड़ का। उसके बाद भैया डंकी को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के कल पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 3,13,727, कितने सारे शोज के माध्यम से? तो भैया 5,742 शोज के माध्यम से। और भाई इतने सारे शोज के माध्यम से कल जब इस फिल्म के टिकट पूरे इंडिया में बिके 3 लाख से ज्यादा, तो उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि कल इस फिल्म को पूरे इंडिया से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 8,39,00,000 रुपीज का। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि इस फिल्म ने भाई 9 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया था वो आंकड़ा भैया 167 करोड़ से ऊपर हो चुका था, यानी कि 167 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस इस फिल्म ने 9 दिनों में कर लिया था। और फाइनली कल के कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने जो अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 175 करोड़ 61 लाख रुपीज का। यानी कि भैया फाइनली ये फिल्म 175 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। अब भाई इस फिल्म को इंडिया से 200 करोड़ का बिजनेस करने के लिए या और 25 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसी खबर निकल के आई है बॉक्स ऑफिस के गलियारों से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।